मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ एवं छिंदवाड़ा सांसद नकुलनाथ अपने 3 दिवसीय प्रवास पर छिंदवाड़ा में। इस दौरान उन्होंने दूसरे दिन छिंदवाड़ा में डेहरिया समाज भवन का लोकार्पण किया। छिंदवाड़ा डेहरिया समाज के भवन लोकार्पण अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने संबोधित करते हुए कहा कि बहुत खुशी हुई यह आकर। मैं जानता हूँ भवन को लेकर आपका बहुत पुराना सपना था जो आज पूरा हुआ है। हम भारतवासी हैं, हम दिल जोड़ते हैं, संस्कृति जोड़ते हैं। बाबा साहब के सामने चुनौतियाँ थी कि कैसे संविधान बनाया जाए जिसमें देश की अनेकता और सभी धर्म एवं जाति जुड़कर रहे। आज इस भवन को बाबा साहब को समर्पित करते हैं। जागरूकता से ही समाज और हमारे छिंदवाड़ा का विकास होगा। विकास के लिए आपको भी आगे आना होगा। सरकार और केवल कुछ लोग मिलकर विकास नहीं कर सकते। सभी को जागरूकता का परिचय देना। सांसद नकुलनाथ ने कहा कि समाज को शुभकामनाएं और बधाइयां। कार्यक्रम में सांसद नकुलनाथ, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना, पूर्व मंत्री चौधरी चंद्रमान सिंह, कांग्रेस अध्यक्ष विश्वनाथ ओकटे सहित समाज के लोग मौजूद रहे। बहुत खुशी हुई आप सबके बीच में आके इस भवन का उद्घाटन करते हुए। मैं जानता हूं आपके बहुत दिनों का ये सपना था कि हमारे समाज का एक भवन बने। सबका योगदान रहा और आज इस भवन में, आपके भवन में ये कार्यक्रम में भाग लेते हुए मैं सब समिति को, जिन्होंने बड़ी निष्ठा से काम किया, आपके नेताओं ने काम किया और आप सबको जिनका सहयोग रहा आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। ये भवन एक प्रतीक है डेहरिया समाज में जागरूकता है और डेहरिया समाज हमेशा हमारे देश की संस्कृति से जुड़ा है। हमारे देश की संस्कृति जो जोड़ने की संस्कृति है। हम दिल जोड़ते हैं, संबंध जोड़ते हैं, रिश्ता जोड़ते हैं, सबको जोड़ के रखते हैं। यही डेहरिया समाज की संस्कृति है, जो देश की संस्कृति है। PCN News के लिए छिंदवाड़ा से चंद्रशेखर शुक्रवार की रिपोर्ट।